हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंधी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और वो है महालक्ष्मी स्पेशल सतपुड़े। महालक्ष्मी के पर्व पर सतपुड़े, मीठी टिक्की जिसे हम पकवान या चौथे भी कहते हैं, और मीठे रोट बनाए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं महालक्ष्मी स्पेशल सतपुड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। महालक्ष्मी स्पेशल सतपुड़ा बनाने के लिए ये 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है। ऑयल, पाउडर्ड शुगर, सॉल्ट, पिस्ता फ्लेक्स और इलायची पाउडर। अब मैदे में से हम करीब 1 कप मैदा अलग ले लेंगे और इसका आटा लगाएंगे। इसमें हम एक चुटकी नमक डालेंगे। 1 पिंच नमक ऐड कर रही हूँ। इसमें हमें मोइन वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और आटा लगा लेंगे। आटा हम बहुत सख्त नहीं लगाएंगे और बहुत नरम भी नहीं लगाएंगे। जैसे रोटी का आटा होता है, ऐसे हम इसका आटा लगाएंगे। ये आटा लग गया है, देखिए कितना नरम है। जैसे रोटी का आटा लगाते हैं, हमने बिल्कुल वैसा ही आटा लगाया है। अब इसे हम ढककर कम से कम 15-20 मिनट का रेस्टिंग टाइम देंगे। जब तक हम मैदे को रेस्ट दे रहे हैं, तब तक हम ये ऑयल और मैदे का पेस्ट बनाकर रख लेते हैं। ये करीब 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। इसमें हम मैदा ऐड कर रहे हैं। करीब 3 टीस्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर पेस्ट बना लेंगे इसका। आप ऑयल की जगह देसी घी भी ले सकते हैं। मैं आज ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ये हमारा इसका पेस्ट तैयार हो गया है, ऑयल और मैदे का। ये 15 मिनट हो गए हैं इसे रखे हुए। अब हम आटे को थोड़ा सा मसल के प्लेन कर देंगे। ये आटा एकदम सॉफ्ट और प्लेन हो गया है, स्मूथ। अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। गोल गोल कर हम इसे दबा देंगे। इस तरीके से हम सारी लोइयां तैयार कर रखेंगे। ये हमने लोइयां तैयार कर रख ली हैं। अब इसे हम बेलेंगे। अब हमें ज़रूरत है तो हम थोड़ा सा पलोथन यूज़ करेंगे और पतली पतली हम रोटी बेल लेंगे एकदम। इस तरीके से हम इसकी पतली एकदम रोटी बेल लेंगे। अभी चॉपिंग बोर्ड पर हम थोड़ा से मैदे से डस्टिंग कर देंगे और ये जो हमने रोटी बेल कर रखी थी, ये इस पर डाल देंगे। अभी हमारा ऑयल और मैदे का जो पेस्ट बनाकर रखा था हमने, हम इसके ऊपर ये लगाएंगे। अब इसे हम हर तरफ अच्छे से फैला लेंगे। ये पेस्ट हमें अच्छे से लगाना है। सिंधी कम्युनिटी में महालक्ष्मी के पर्व पर ये ज़रूर बनाए जाते हैं, साथ में मीठी टिक्की पकवान या जिसे हम चौथे बोलते हैं, उन्हें भी बनाया जाता है। अब हम ऐसे दूसरी रोटी बेल लेंगे। ये हमने ऐसे दूसरी रोटी भी बेल ली है पतली। अब इसे हम इसके ऊपर रख लेंगे और इसके ऊपर भी ये मैदे और ऑयल का घोल डाल देंगे और सब तरफ अच्छे से हम इसे फैला लेंगे। सतपुड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये एक सिंधियों की ट्रेडिशनल डिश है जिसे सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। विशेष करके इसे महालक्ष्मी के पर्व पर ज़रूर बनाया जाता है। आप ऐसे भी इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ऐसे हम सारी रोटियां बेलकर एक के ऊपर एक रखकर ऑयल और मैदे का पेस्ट लगाते जाएंगे।
ये हमने सारी रोटियां एक के ऊपर एक रख ली हैं और उसके ऊपर मैदे और ऑयल वाला पेस्ट हमने अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसकी पट्टियां कट करेंगे। करीब 1 इंच चौड़ी आपको इसकी पट्टियां कट करनी हैं। ये हमने ऐसे सारे कट्स लगा लिए हैं। अब हम इन्हें रोल करते जाएंगे। आपको टाइट रोल करना है। आप छोटे बड़े सतपुरे अपने चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है और ये जो एंड है इसका, इसको नीचे या ऊपर की तरफ दबा देना है और इसको ऐसे हल्के हाथ से आपको दबा देना है। और ऐसे हम सारी लोइयां बनाकर इसकी रखते जाएंगे। अगर आप थोड़े बड़े सतपुड़े चाहते हैं तो आप 1.5 या 2 पट्टी को भी एक साथ जॉइन करके बना सकते हैं। हम आज मीडियम साइज़ के सतपुड़े बना रहे हैं। ऐसे बाहर की तरफ खोलते हुए हमें इसे दबाना है। अभी हमारा थोड़ा छोटा रोल बन रहा है तो हम इसमें ये साइड वाली जो छोटी पट्टी है ये एक और इस पर हम अटैच कर सकते हैं और इसको ऐसे करके हम इसी लोई तैयार कर लेंगे। ये साइड की पट्टियाँ थोड़ी छोटी हैं तो इसमें हम जॉइंट करके दूसरी पट्टियाँ भी जोड़ देंगे। ये हमारी सारी लोइयाँ तैयार हो गई हैं। ऑयल गरम करने रख दिया है मैंने कढ़ाई में। अब इन्हें हम बेल लेंगे। इन्हें बेलने का भी एक ट्रिक होता है। आप एकदम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं बेलिए, आप सेंटर से साइड की तरफ ले जाते हुए बेलना है आपको इस तरीके से, ताकि इसकी लेयर्स अच्छे से आए हमारी। ये हमने बेल लिया है। अब इसे हम तलेंगे। ये ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम ये आराम से इसे उठाएंगे हाथ पर सतपुड़े को और डाल देंगे। ऑयल अच्छा गरम है, फ्लेम मैंने मीडियम करी है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे तल लेंगे। इसे तलने के लिए ऐसे स्टिक से आप इसकी लेयर्स को सेपरेट कर सकते हैं या इसकी जगह आप फॉर्क का भी यूज़ कर सकते हैं या जिससे हम स्वेटर बुनते हैं उस सलाई से भी इसकी लेयर्स हम अलग कर सकते हैं। देखिए सारी इसकी लेयर्स अलग हो गई हैं, कितना बढ़िया दिख रहा है ये। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अब इन्हें हम पलट देंगे। देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आई हैं। महालक्ष्मी स्पेशल सतपुड़े बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इन्हें इस पर्व पे बनाया जाता है और अपने बहन और बेटियों के ससुराल में भी भेजा जाता है। इन्हें बनाना बड़ा आसान है, बस थोड़ी सी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके सतपुड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। आटा आप बराबर से लगाइए, पतला बेलिए। बेलने के बाद उसके ऊपर ऑयल और मैदे का पेस्ट अच्छे से चारों तरफ लगाइए। पट्टियाँ ज़्यादा चौड़ी नहीं काटना है आपको। टाइट रोल बनाइए और टाइट रोल बनाने के बाद हल्के हाथ से आप जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से बेलिए। ये देखिए ये हमारा सतपुड़ा एकदम फ्राई हो गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। इसे हम निकाल कर इस जाली पर रख लेंगे ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऑयल्स अगर लेयर्स के बीच में आ गया है तो वो निकल जाए। हम इन्हें पहले बेल कर नहीं रखेंगे। एक तलने के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे और फिर दूसरा बेलेंगे और उसको फ्राई करेंगे, फिर अगला बेलेंगे। ये देखिए ये सतपुड़ा भी हमारा एकदम तैयार है। अब पहले वाले सतपुड़े को हम निकाल कर प्लेट में रख देंगे और इस वाले सतपुड़े को हम जाली पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए और इसी तरीके से हम सारे सतपुड़े फ्राई कर लेंगे। ये हमने सारे सतपुड़े फ्राई कर लिए हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं, एकदम लेयर्ड, अलग अलग लेयर इसकी दिख रही है।
बहुत ही क्रिस्पी हैं, एकदम खस्ता सतपुड़े बने हैं। अब इन्हें हम गार्निशिंग कर देंगे इनकी। हम इसके ऊपर ये इलायची पाउडर डाल रहे हैं थोड़ा। आप इन्हें बिना कुछ डाले ऐसे भी खा सकते हैं और इस तरीके से भी आप इस पे इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी पाउडर शुगर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें। और थोड़े से पिस्ता फ्लेक्स से हम गार्निशिंग कर देंगे। इन्हें आप ऐसे भी खा सकते हैं या इन्हें आप दूध में भी खा सकते हैं। इन्हें किसी बाउल में थोड़ा सा तोड़कर ले लीजिए, थोड़ी सी चीनी डालिए और उबलता हुआ दूध उस पर डाल दीजिए और फिर आप इसे खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये। देखिए बहुत ही यम्मी सतपुड़े एकदम रेडी हैं, आप इन्हें ज़रूर बनाइए। ये एकदम क्रिस्पी बने हैं, मैं एक आपको दिखाती हूँ क्रश कर कर कि कितना क्रिस्पी है ये। ये देखिए एकदम क्रिस्पी सतपुड़ा तैयार हुआ है, कहीं भी कच्चा नहीं है, एकदम खस्ता बना है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, उससे आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।